जागृत भारत आंदोलन के राज्य अध्यक्ष मधु सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता में छात्र वर्ग पर जबरन कोविड वैक्सीन लगाने की बात कही गई है। अध्यक्ष का कहना है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में वैक्सीन की हामी किसी पर भी बाधित तो नहीं की जा सकती, तो क्यों प्रदेश सरकार या अन्य सरकारी महकमों के अधिकारी इस पर दबाव बना रहे हैं। बहुत सारी जो है पिछले दिनों से हमारे को कॉल आ रही है और स्टूडेंट की आ रही है, बच्चों की आ रही है, जिसमें कि बच्चों को जो है जो प्रिंसिपल है स्कूल में वो उनको बहुत तंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगाइए और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बच्चे बेचारे डर रहे हैं। आज सुबह भी मुझे एक लड़की का फ़ोन आया कि हमें तो इस तरह से तंग किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वैक्सीन को हम किसी के लिए भी ज़बरदस्ती या दबाव नहीं बना सकते, तो फिर भी ये प्रिंसिपल हो गए या कोई जिला प्रशासन या अपना तहसील प्रशासन इस तरह का दबाव क्यों बना रहा है? क्या उनको कानून की जानकारी नहीं है, या क्या कानून की जानकारी है तो क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री हेल्थ ने एफिडेविट दिया है उसमें बिल्कुल क्लियर किया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। बच्चा है, चाहे चिल्ड्रन है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कॉलेज के है, चाहे यूनिवर्सिटी के, और ये इन्फॉर्म कंसेंट क्या है मैं इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कर दूँ। और प्रिंसिपल महोदय, जो भी टीचर है, पीटीआई है, कोई भी है, अगर बच्चों को वो प्रेशराइज करते हैं, सबसे पहले उनको उसके बारे में जानकारी देनी है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो उससे आपको जो है कई तरह की बीमारियां हो सकती है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको पैरालाइज हो सकते हैं आप, और तरह तरह की ये, और फिर उनके पेरेंट्स का रिटर्न में लेना है कि हम आपके बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं लगाना चाहते हैं स्वेच्छा से तो आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तानाशाही तरीके से एक तरह से जो है बच्चों को डराया जा रहा है, जिस तरह से हमारे को जो है फ़ोन भी आ रहा है कि हमें डर लगता है, बहुत सारे लड़कियों की डेथ भी हो गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट और दिया है कि अभी तक 1000 कम से कम वैक्सीन लगने के बाद 1000 जो है लोगों की डेथ हो गई है और 70,000 से ज्यादा जो है साइड इफेक्ट प्रशासन से साइड इफेक्ट 70,000 से ज्यादा जो है साइड इफेक्ट हुए हैं। क्या डिमांड करते हैं आप? हम डिमांड करते हैं कि जो ऑल ओवर अथॉरिटी है, चाहे वो डायरेक्टर एजुकेशन है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो जो स्कूल में प्रिंसिपल है, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप पहले वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी लें, उसके बाद आपको पता होना चाहिए, आप बच्चों को जागरूक करें, उनको बताएं कि भाई वैक्सीन जो है स्वैच्छिक है, इसके लिए किसी को भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।